आज हम घर पर एक रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाएंगे जो टेस्ट में तो बहुत ही डिलीशियस बनती है। सब्जी में हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का यूज करेंगे जिससे हमारी सब्जी बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बने। इसे आप डिनर में या पार्टी में भी सर्व कर सकते हो। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिक्स वेज सब्जी के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। उसी में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। प्याज थोड़ा सोते हो तभी हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितना मक्के का आटा। जी हाँ, इस सब्जी में हम मक्के के आटे से ही क्रीमीनेस लाएंगे और हमारी सब्जी बहुत ही स्मूथ बनेगी। साथ में ही मक्के का आटा हमारी ग्रेवी को एक थिकनिंग भी देगा। अगर आपके पास मक्के का आटा अवेलेबल ना हो तो आप चने का आटा का भी यूज कर सकते हो, पर कॉर्नफ्लोर का यूज मत करना। अब प्याज और आटा दोनों अच्छी तरह भून गए हैं तभी उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच जितना फ्रेंच बीन्स यानी कि फणसी। फणसी को हमने कच्चा ही लिया है और बारीक काट लिया है। इस सब्जी के लिए हमें हर सब्जी को बारीक काटना है और इसे इसी तरह तेल में फ्राई कर लेना। अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 कैप्सिकम, 1/2 कप पत्ता गोभी जिसे मैंने बारीक काट लिया है। सब्जी को हम ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। उसी में हम डाल देंगे 1/2 कप मटर। मैंने फ्रोजन मटर लिया है। अगर आप कच्चे मटर लो तो जब हमने फणसी डाली थी तभी आपको मटर डाल देना है। अब हमें सब्जी को 3 से 4 मिनट तक लगातार ऐसे ही फ्राई कर लेना है। हमने सारी सब्जी कच्ची ली है तो इसे हमें इसी तरह पकाना है जिससे हमारी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इस सब्जी में आप अपनी मनपसंद सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यही सब्जी लेकर ये सब्जी बनाइए। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर, 1 टीस्पून हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट, 1/2 टीस्पून लहसुन की पेस्ट। एक मिनट बाद हम सारे मसाले डाल देंगे। 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो। सभी मसाला को हम अच्छी तरह भून लेंगे। हमारी सब्जी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच चिकना पानी। धीमी आंच पर इसे 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। 3 मिनट बाद हमारे टमाटर ऑलमोस्ट पक चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच मलाई। आप क्रीम का भी यूज कर सकते हो, पर इस सब्जी को हम
घर में अवेलेबल सामान से ही बनाएंगे, तो इसलिए मैंने घर की मलाई का ही यूज किया है। मलाई से ये सब्जी बहुत ही क्रीमी और रिच बनेगी। फिर से इसे ढक देंगे और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। 3 मिनट बाद हमारी मलाई अच्छी तरह कुक हो चुकी है, ऑयल भी रिलीज हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 150 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर, ये मेरा होममेड पनीर है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अगर आप ड्राई सब्जी पसंद करते हो तो ये सब्जी आपके लिए रेडी है। पर हम इसे ग्रेवी वाला बनाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप जितना पानी और इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट कुक कर लेंगे। सब्जी को कुक करते हुए हमें 3 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी रिलीज हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला और सब्जी को बढ़िया सा खुशबू देने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून कस्तूरी मेथी। और 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। ये खुशबूदार सब्जी तैयार है, तो इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। इस सब्जी को आप रोटी, पराठा, राइस, नान के साथ सर्व कर सकते हो। इस डिलीशियस मिक्स वेज सब्जी को अब हम सर्व कर लेंगे। इस रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी को आप एक बार जरूर ट्राई करें।